नमस्कार, आइए आज सीखते हैं बैंगन और चने की सब्जी बनाना। इन्हें बनाने के लिए बैंगनों को अच्छी तरह से धोकर काट लीजिए और चनों को 5-6 घंटे के लिए भिगोकर रखिए और इन्हें एक बाउल में निकाल लीजिए। टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लीजिए। मिक्सी में प्याज, जीरा, हल्दी, मेथी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाइए और इसे ग्राइंड कर लीजिए और इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म कीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें इस मसाले को मिला दीजिए और इसे कड़छी की सहायता से चलाइए। अब इसमें एक चम्मच मिर्ची पाउडर मिलाइए। मसाले को इसी तरह से भूनते रहिए। जब मसाला भून जाए तब इसमें टमाटर का पेस्ट मिलाइए। अब इसमें नमक मिलाइए और इसे थोड़ी देर इसी तरह से पकने दीजिए। अब इसमें भीगे हुए चने मिलाइए। भीगे हुए चने मिलाने के बाद इसमें कटे हुए बैंगन मिलाइए और कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। 5 मिनट बाद हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब हमारी सब्जी पक चुकी है। इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। यह बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, तो इसे आप भी ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। इसे परांठे, चपाती तथा चावल के साथ खाइए और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।